हम लोग इसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक लोकल और एक ग्लोबल। ग्लोबल इट मींस एब्सोल्यूट। सो फर्स्ट वन हम लोग समझते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अगर मैं इस क्लास में पूछूं कि किसी स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो किसी ने बोला कि हाँ मेरा मार्क्स 96 आया है। मैंने पूछा और किसी का है क्या 96 से हाई, तो बोला नहीं 96 से हाई किसी का नहीं है। इट मीन दिस इज मैक्सिमम इन दिस क्लासरूम। मैं बाहर गया और पूरे अहमदाबाद में बैनर लगा लिया कि किसका मैक्सिमम मार्क्स है। एक स्टूडेंट बोलता है मेरा 100 है, 100 आउट ऑफ 100 आया मेरा। तो इट मीन दिस इज लोकली मैक्सिमम नॉट ग्लोबल, बट 100 से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। इट मीन दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम। लोकल इट मीन हम उसके नेबरहुड से ही चेक करेंगे। हम लोग पढ़ किस में रहे हैं, रियल नंबर लाइन पे। रियल नंबर लाइन पे अगर x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, उसके नेबरहुड से। इट मीन 1 प्लस पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, 1 माइनस पे क्या है वैल्यू फंक्शन की। अगर सोचो कि 1 प्लस पे वैल्यू जो आए और 1 माइनस पे जो वैल्यू आए, दोनों 1 पे जो वैल्यू है उससे कम हो। ये देखिए 1 पे जो वैल्यू है और उसके नेबरहुड की जो वैल्यू है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाओ। नेबरहुड में पॉइंट की वैल्यू से कम है तो इस पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। और अगर कुछ ऐसा ग्राफ में बनाओ, ये x इक्वल टू 1 है तो उसके नेबरहुड पे क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो 1 पे क्या है, लोकली मिनिमा है। सो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड होगा। जो पॉइंट दिया हो रहेगा उस पॉइंट के नेबरहुड को हम डायरेक्टली फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी हम लोग आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। जीरो से इन्फिनिटी कैसे हुआ, ओके। इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स साइन टी स्क्वायर डीटी था। तो इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट फंक्शन की डिफाइन हो रही है टी इज इक्वल टू 0 से। यहां पर जो एक्स है वो यहां पे 0 है, तो फंक्शन 0 से ही एक्सटेंड हो रहा है। अभी हम लोग 0 से इन्फिनिटी, यहां पर x इन्फिनिटी लेंगे तो 0 से इन्फिनिटी का रेंज डिफाइन हो रहा है। हम लोग माइनस इन्फिनिटी इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो राइट ऑन अ फंक्शन f ऑफ x, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू हैव लोकल मैक्सिमा, इज सेड टू हैव लोकल मैक्सिमा इफ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एंड एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस। ये है लोकल मैक्सिमा के लिए। दोनों ही नेबरहुड से उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। सो लोकली मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1, 1। आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तीनों बताने हैं। कितने लोकल मैक्सिमा है, कितने लोकल मिनिमा है, कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। 1, 1, 1। अगर मैं एक्स क्यू का ग्राफ प्लॉट करूं तो एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। इंटरवल कौन सा है, माइनस 1, 1। सो इसके इधर और इधर की बातें भूल जाएं। अब x इक्वल टू 1 का जो नेबरहुड है वो एक ही नेबरहुड है, 1 प्लस वाला हो नहीं सकता, 1 माइनस। इट मींस x इक्वल टू 1 पे इससे वैल्यू ज्यादा है। इट मींस x इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा है। अगर मैं 0 की मैं बात करूं तो 0 प्लस के लिए वैल्यू ज्यादा मिल रहा है और 0 माइनस के लिए कम मिल रहा है। इट मीन एक्स इक्वल टू 0 ना ही लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा होगा। माइनस 1 पे बात कर ले,
माइनस वन पे अगर मैं बात करूं तो माइनस वन पे जो वैल्यूज है उसके नेबरहुड से चेक किया और कम है, नेगेटिव में जा रहा है नीचे और कम हो रहा है वो, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो है वो लोकल मिनिमा है। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू का जो कर्व होता है कुछ ऐसा होता है, इस साइड में क्या है कनकेव अपवर्ड, इस साइड में कनकेव डाउनवर्ड, सो ये पॉइंट कौन सा हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो x इज इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो एक लोकल मैक्सिमा, एक लोकल मिनिमा और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्लू नहीं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, इसको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यूज किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू है फंक्शन के किसी भी दूसरे पॉइंट के वैल्यूज से, तो वो x इज इक्वल टू एक पॉइंट जो है ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या किसी फंक्शन में मोर देन वन ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है? हाँ, साइन x का ग्राफ देखो, पाई बाय टू पे वन, फाइव पाई बाय टू पे भी वन, इलेवन पाई बाय टू, इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हमें साइन एक्स का ग्राफ, यहां भी वन है, यहां भी वन है और आगे बहुत सारे पॉइंट्स पे वन है, और वन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे ग्लोबल मैक्सिमा मिल रहा है, तो किसी भी फंक्शन में मोर देन वन ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है, हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है इसमें। ग्लोबल मिनिमा के लिए एक्स इज इक्वल टू ए इज ग्लोबल मिनिमा इफ एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है वो फंक्शन के किसी भी दूसरे पॉइंट की वैल्यू से ऑलवेज लेस देन इक्वल टू है तो ग्लोबल मिनिमा होगा। स्टेप वन, इवैल्यूएट dy by dx is equal to f dash x is equal to 0. Let x is equal to xr, x is equal to xn such that f dash x is equal to 0. हमें n ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जिसके लिए f dash x 0 हो रहा है, तो ये सभी के सभी पॉइंट एक्सट्रीमा पॉइंट कहलाएगा। एक्सट्रीमा आइदर वहां पर लोकल मैक्सिमा होगा और आइदर वहां पर लोकल मिनिमा होगा। स्टेप टू, हम लोग चेक करेंगे कि इन एक्स एन में से कौन कौन सा पॉइंट इस इंटरवल ए कोमा बी में है, जो भी इंटरवल दिया हो रहेगा क्लोज या ओपन, इस इंटरवल में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हमें उन पॉइंट्स को ही कंसिडर करना है जो उस इंटरवल में हो, तो मैंने एज्यूम किया कि एक्स आर पॉइंट्स हैं जो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, जो भी इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल को एक्स आर पॉइंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, n थे उनमें से r है, n r के इक्वल भी हो सकता है कम भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कर्व की मैं बात करूं, देखो यहां पर भी जीरो है लेकिन अगर मुझे a कॉमा b इंटरवल में पूछ रहा हो तो मैं इस पॉइंट को कंसीडर क्यों करूं, नहीं करना है। सो वो पॉइंट अगर यहां पर आ रहा होगा तो उन पॉइंट को हमें इग्नोर कर देना है, हमें उन्हीं पॉइंट को कंसिडरेशन में लेना है जो उस इंटरवल में हो। स्टेप थ्री, हम फंक्शन की वैल्यू एक्स आर पे कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू ए पे कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू बी पे कैलकुलेट करेंगे। बाय कंपेयरिंग ऑल दीज वैल्यू वी कैन इजिली से द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर इस पे कैलकुलेट किया 50 आया, इस पे कैलकुलेट किया 100 आया, इस पे कैलकुलेट किया -90 आया, मैक्सिमम इज 100, किस पॉइंट पे है, ए पे है। So by comparing all these value, we can easily say maximum and minimum value of the function. A function f of x is given by x cube minus 3x
x belongs to close interval 0 comma 2, close interval 0 comma 2, the maximum value of the function, the maximum and minimum value of the function are fill in the blank respectively. हमें मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है फंक्शन का. सो स्टेप वन कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² - 3 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू +1 एंड -1. सो इनमें से एक ही पॉइंट है जो इस इंटरवल में है. x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 2. अब हमारा टारगेट होगा कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करें. 1 पुट किया, 1 माइनस 3 माइनस 2, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे 0 एंड 2 पे, 0 पुट किया 0, 2 पुट किया 2 का क्यूब 8 माइनस 6 डेट इज 2. मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनमें से? 2. सो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 पे है और वो फंक्शन की वैल्यू भी 2 है. मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2. मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2 एट एक्स इज इक्वल टू 1. इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में कम से कम तो 10 से 12 बार पूछे गए हैं. प्रैक्टिस आप करो वो बेटर रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा. टिपिकल टास्क नहीं है कुछ. एक बार डिफरेंशिएशन करना है, जो पॉइंट है उस इंटरवल में चेक करना है या नहीं है. वैल्यू फाइंड आउट किया, कंपेयर कर लिया, फिनिश. ठीक है, इसके भी पीडीएफ फाइल आपके पास शाम को पहुंच जाएगा. जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो. मिटाओ. ये इंटरवल है ना 0, 2, हम इन दोनों पॉइंट पे भी चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है. तो 0 है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 पुट कर लिया, 0 आया तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है. 2 पुट किया इस इंटरवल में, 2 का क्यूब 8 माइनस. अब इन तीन को कंपेयर कर लेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है सबसे ज्यादा? 2. तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का क्या हुआ? 2. किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 2 पे. सबसे कम कौन सा है? -2. किस पॉइंट पे है? 1 पे. सो मिनिमम वैल्यू इज -2 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1. कंपेयर करेंगे बस. हाँ लेना है, ओपन इंटरवल के केस में भी लेना है. अगर सेम क्वेश्चन मैं कुछ ऐसा रख देता तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला इंटरवल कुछ भी हो मुझे ये कंसीडर करना है. क्यों करना है इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं. क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो मान लो कि इसका कोई कंटिन्यूअस ग्राफ ऐसा कुछ होगा, रफली मैं बनाया, एग्जैक्ट इसका ये ग्राफ नहीं है. मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ओपन इंटरवल का क्या इफेक्ट है. सो मान लीजिए कि ये इंटरवल a, b है जो कि ओपन है. ओपन होने के कारण मुझे a को कंसीडर नहीं करना है, b को कंसीडर नहीं करना है. अगर a को कंसीडर ना करूं, b को कंसीडर ना करूं, क्या मैं a+ को कंसीडर करूं? a+ को कंसीडर करूं? यस. b- को कंसीडर करूं? क्या a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? जब फंक्शन इंटायरली कंटिन्यूअस है तो ए पर भी कंटिन्यूअस होगा. यह फंक्शन पॉलिनोमियल इंटायरली कंटिन्यूअस है तो एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा. अगर ए पे कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है. तो मैं ए प्लस की मैं बात कर रहा हूं वो उसके किसके इक्वल लिखूंगा? एफ ऑफ ए के इक्वल लिखूंगा. तो मैं उसे कंसिडर तो करूंगा ही क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा, कोई भी वैल्यू जो इसके नेबरहुड में एकदम करीब में जाऊं तो उसी के अप्रोक्सीमेट में वैल्यू मिलेगा. कंसीडर करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए करेंगे. हमने चेक किया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स किया 3x² - 6x - 24, दिस इज इक्वल टू 0. सो x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 4x + 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -2 एंड 4.
माइनस टू तो इस इंटरवल में है लेकिन फोर इस इंटरवल में नहीं है. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस थ्री कोमा थ्री ओनली, यही बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को. सो फंक्शन की वैल्यू माइनस टू पे कैलकुलेट कीजिए, माइनस थ्री पे कैलकुलेट कीजिए, थ्री पे कैलकुलेट कीजिए, और इन तीनों को कंपेयर करना होगा. फिर वैल्यूज क्या आ रहा है, वैल्यू पूछा है. एफ ऑफ माइनस टू इज 128, एफ ऑफ माइनस थ्री इज 118, ओके, एफ ऑफ थ्री इज 28, 118. अच्छा ये 118 है और ये 28 है. सो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 28. मिनिमम वैल्यू किस पे मिला, थ्री पे.